हेलो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुका हूँ मेरे आज की खास प्लेस पर, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस जो मैं बीकानेर में जाना पसंद करता हूँ कभी कभी। तो आज हम वहाँ पर आए हैं, मैं हूँ और मेरे साथ हमारे साथी पार्थ, जिसे आप सब जानते हैं। तो हम दोनों आज यहाँ पर आए हैं आप लोग को दिखाने एक बहुत ही सुंदर क्रेमेटोरियम। तो यहाँ पर बेसिकली ये राज परिवार का जो है रेस्टिंग प्लेस है। बहुत सुंदर सुंदर छतरियाँ बनी हुई, छतरियाँ मीन्स जो उनकी याद में बनाया गया एक मॉन्यूमेंट होता है बेसिकली, छोटा, जो राजस्थान के अंदर बेसिकली पॉपुलर है। हर राज्य का, हर स्टेट का, जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स थे उनका एक अलग से अपना प्लेस होता था जहाँ पे वो लोग अंतिम संस्कार करते थे अपने पूर्वजों का। तो उसी प्लेस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा आज मैं, तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये एक सुंदर और बहुत ही हिस्टोरिकल। देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स, छतरियाँ, मॉन्यूमेंट, जो आप कहना चाहें, ये बनी हुई है। ये उन राजाओं की, उन महाराजाओं की याद में बनी हुई छतरियाँ जिन्होंने हमारे प्रिंसली स्टेट बीकानेर पर राज किया था। तो आइए हम आगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे इनके बारे में। कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, कुछ यहाँ पे अलग तरह की छतरियाँ भी बनी हुई है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा आपको मैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलिए फॉलो मी। तो दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं, इस स्टोन, रेड स्टोन है बेसिकली, ये धुलमेरा का पत्थर होता है हमारे यहाँ पे। आसपास पहाड़ नहीं है तो हम लोग यहाँ वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, पत्थर करवाते थे मतलब पहले राजा महाराजा। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग की हुई है, और ये सारी कार्विंग हाथ से की गई है, इसमें कोई मशीन उस टाइम तो होती नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर काम किया गया है, और ये सारा हाथ से किया गया काम है। तो इसकी बारीकी और एक मशीन की बारीकी में आपको दिन रात का फर्क मिलेगा, उसमें आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ छतरियों की खासियत जो है। जैसे ये छतरी है, ये महाराजा रत सिंह जी की छतरी है, ये वाली छतरी आप देख सकते हैं ऊपर। तो इसमें भी 16 पिलर हैं छतरियों में। तो कुछ खासियत हैं हर छतरी की। आज हम अब आगे चले मेरे साथ। खासियत ये है कि ये लाल पत्थर से बनी है, जो मैंने बताया आपको भाई दुलमेरा का लाल पत्थर। तो ये बेसिकली बिलोंग करती है राजपूत आर्किटेक्चर, जो राजस्थानी ऑथेंटिक आर्किटेक्चर है उसको बिलोंग करती है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको राजस्थानी, राजपूती और मुगल जो स्ट्रक्चर है उसका मिक्सचर। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे दोस्तों ये छतरी है, इसको आप गौर से देखिए, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं पैर बने हुए हैं, इस छतरी पर पैर बने हुए हैं। तो ये छतरी बिलोंग करती है एक फीमेल को, क्योंकि पैरों का डोनेशन होता है फीमेल से। और जो आप इरेक्टेड स्टोन देख सकते हैं, जिसे शिलान्यास भी कह सकते हैं आप, उसका मतलब होता है कि एक मेल रूलर। अगर छोटी छतरी है तो बच्चे की होगी। चलिए Thank you.
कमेंट सेक्शन के अंदर, और अच्छे लग रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये छतरी आप देख सकते हैं, ऐसे वाइट पत्थर में बनी हुई है। ये छतरी बिलोंग करती है महाराज सूरत सिंह जी को। तो ये लगभग 1800 के आसपास की छतरी है, तो 1700-1800 के बीच की छतरी है ये वाली। तो ये इसके आप देख सकते हैं वाइट पत्थर है, इसे आप देख सकते हैं कि इसमें मुगल आर्किटेक्चर बहुत आपको ज़्यादा डोमिनेटिंग मिलेगा विद कंपेयर टू अगर आप राजस्थानी आर्किटेक्चर देखें। चलिए आपको एक ग्राउंड दिलाते हैं छतरी का। अब ऊपर देखें, जैसे कि ऊपर फूल और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है अंदर। यहाँ पे आप देखें तो ये जो पत्थर आप दिख रहे हैं, इसके आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती है वो इन्फॉर्मेशन जो उस राजा के बारे में उस टाइम के लोग बताना चाहते हैं, वो सब कुछ डिटेल में लिखा होता है यहाँ पे। कैसे उनकी मौत हुई, क्या था क्या नहीं, वो सब इस पत्थर पर लिखा हुआ होता है। आगे चलिए, ये जो आप छोटी छतरियाँ देख रहे हैं जिन पर शायद गुंबद नहीं बने हुए और सिर्फ चौकियाँ बनी हुई है, वो छतरियाँ होती हैं जो कि बच्चे की होती है, किसी नवजात की हो गई या फिर किसी युवराज की हो गई। ये वो छतरियाँ हैं जो बहुत यंग एज में गुजरे हुए जो होते हैं उनकी छतरियाँ हैं। ये देखिए एक और फीमेल की छतरी है ये वाली। आइए आगे चलते हैं, आपको मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग छतरियाँ दिखाऊंगा। ये छतरी है गंगा सिंह जी की, महाराज गंगा सिंह जी की छतरी है, और बहुत ही सुंदर और बहुत कॉम्पैक्ट थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें पिछली छतरियों से तो कुछ छतरियाँ इससे बहुत बड़ी हैं, बट बहुत सुंदर और बहुत कॉम्पैक्ट सी छतरी है। इस पर जो काम हुआ है वो बहुत डिटेल काम है, अगर देखें अगर अंदर बहुत डिटेल काम है, और इसकी जो पेंटिंग्स है वो फेमस है अंदर बनी हुई, लेकिन अभी शायद देखें तो इसको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए उसको बंद कर रखा है। बाकी आप जैसे देखें यहाँ पे गोल्ड का काम भी किया हुआ है, शायद सब गोल्ड पेंटिंग्स हैं। तो ये है गंगा सिंह जी, ये बेसिकली बीकानेर के बुलक, इनका जन्म एक्चुअली हुआ था 1880s के अंदर, और 1943 में इनकी बहुत हुई थी। इन्होंने बहुत सारे काम बीकानेर की जनता के लिए और यहाँ के प्रजा के लिए किए थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो गंगा नहर है, तो पहले गंग नहर नाम से जानी जाती थी, आज उसे इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया है। तो उनकी उस नहर को यहाँ पे लाना पंजाब से, और बहुत सारे काम, हॉस्पिटल्स बनवाए उन्होंने बीकानेर के अंदर। तो जो डेवलपमेंट, जो मॉडर्न डेवलपमेंट बीकानेर का हुआ है बेसिकली, वो सर गंगा सिंह जी के टाइम पे ही हुआ था। चलिए मैं आपको छतरी की छतरी थोड़ी पास से दिखाता हूँ। आइए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बाउंड्रीज की हुई हैं, ये ज़्यादातर आपको मुगल आर्किटेक्चर में मिलेगी देखने को। और चलते हैं थोड़ा नीचे, ये कुछ छतरियाँ देख सकते हैं आप। ये छतरियाँ, ये आपको एकदम अलग दिखेगी, रेट्रो लुक की आप कह सकते हैं, रेट्रो छतरियाँ ये। तो ये है हमारे महाराजा सरदार सिंह जी, इन्हीं के टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में भारत में विलय का जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। उस टाइम पर जो महाराजा हैं बीकानेर के, वो थे सरदार सिंह जी। तो ये बेसिकली गंगा सिंह जी के पुत्र थे, और इनकी छतरी आप देखिए बहुत ही अलग तरीके से, बहुत मॉडर्नाइज छतरी बनी हुई है। हालांकि समाधि स्थल है, बट आप तो जो आप लोग तो जानते ही हैं राजाओं की लाइफ थोड़ी सी आम लोगों से अलग ही होती है। तो आप देखें छतरी को, बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा कार्विंग नहीं है, बट बनी हुई बहुत सुंदर तरीके से, जो स्ट्रक्चर है बहुत सुंदर बना हुआ है। अगर आप कंपेयर करें इसको गंगा सिंह जी की छतरी से, जो इनके जस्ट इनके फादर ही हैं, तो इसमें और इसमें आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, देखने को बहुत फ़र्क दिखेगा। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक काम अंदर और ऊपर तक भी किया हुआ है। अब देखिए स्टोन है, ये थोड़ा इरोजन से और थोड़ा हवा से वातावरण से थोड़ा सा ख़राब तो होता ही, बट हालांकि जो अंदर वाली जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम इफेक्टेड है। जैसे कि छतरी देखिए आप, ये छतरी है यहाँ के महाराज राजकुमार जी की छतरी है, ये विजय सिंह जी की, इन्हीं के नाम पर बीकानेर में जो PVM हॉस्पिटल है वो खुला हुआ है। तो ये है विजय सिंह जी की छतरी, इसमें भी देखिए आप बहुत सुंदर अंदर पेंटिंग की गई है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पे की गई है, देख सकते हैं आप जैसे ऊपर।
देखिए, बेसिकली यहाँ पर आपको छतरियों में भी और राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं उनमें आपको राधा कृष्ण के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। जो इनकी पेंटिंग्स हैं राजस्थानी स्टाइल, वो राधा कृष्ण, राम सीता, बेसिकली राधा कृष्ण पे ही ज़्यादा स्टोरीज पे डिपेक्ट करती हैं इनकी पेंटिंग्स। ऑल ओवर राजस्थान, एक गढ़ में आप गढ़ में देख सकते हैं, जो फोर्ट्स हैं, हवेलीज हैं, आपको वहाँ पर राधा कृष्ण की जो रासलीलाएँ हैं उनकी जो स्टोरीज हैं बहुत देखने को मिलेगी। चलिए आगे, आप ये देखिए, ये चांद कंवर जी की जो है छतरी है। वैसा ये हैं जो वैसा हैं, ये महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र थी, तो उनकी ये छतरी है। आप देख सकते हैं बहुत विशाल तरीके से बनाई गई है, अगर कंपेयर करें आप पिछली छतरियों से इसे। अब देखिए यहाँ पर जो पग बने हुए हैं, जिन्हें राजस्थान में पगड़िए कहते हैं, ये पगड़िए निशानी है कि ये यहाँ पर जो राज, ये जो छतरी बनी हुई है, राज छतरी बनी हुई है, ये किसी महिला की है। अगर यहाँ पे वही स्टोन लगा होता, खड़ा स्टोन, तो ये होती किसी मेल की छतरी। आप देख सकते हैं जो पेंटिंग्स है, रख रखाव के अभाव के अंदर कुछ खराब हो चुकी हैं पहले से, नमक से, सीलन से, बहुत कीमती, बेशकीमती कह सकते हैं आप इन्हें। इनमें बहुत सारे अलग अलग कलर जो नेचुरल कलर यूज होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पे, लेकिन आज की डेट में ये रख रखाव के अभाव के अंदर खराब हो रही हैं। और ये देखिए, यही सेम छतरी, सच्ची रंग की छतरी है, ये महारानी श्री मेहताब कंवर जी की छतरी है। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत मॉडर्नाइज काइंड ऑफ छतरी है, थोड़ी सी स्पेसशिप काइंड ऑफ लुकिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों छतरियों के बीच में। ये छतरी जो है आप देख रहे हैं मेरे राइट में, ये 1928 की छतरी है, और ये वाली देख रहे हैं आप जो है 1956 की छतरी है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आया है कुछ 30 सालों के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर। पहले आपने देखा कि 1600 में और 1700 में छतरियाँ जो बनती थी वो लाल पत्थर की बनती थी, बट फिर मुगल्स का और ज़्यादा प्रभुत्व आने लगा और उस प्रभुत्व के कारण जो छतरियाँ हैं वो लाल और वाइट मिक्स आने लगी। तो आर्किटेक्चर तो एक बहुत बड़ा सबूत होता ही है हमारे इतिहास को पढ़ने का। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर छतरियाँ बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त और बहुत बुरी कंडीशन में आप देख सकते हैं। जैसे ये जो छतरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी छतरी आप देखिए, इसे इस पर बहुत सारे पग इतिहास बने हुए हैं, बहुत सारी एक ही साथ बनाई हुई छतरी है ताकि ज़्यादा लोगों का एक साथ में शिलान्यास किया जा सके, ज़्यादा लोगों को एक साथ समाधि बनाई जा सके, उसके लिए उस हिसाब से बनाई हुई छतरी है ये। फिर आप देख सकते हैं 65, जैसे कि आप देखते हैं कि 60s और 70s के आसपास जाते जाते छतरियाँ बहुत मॉडर्नाइज होने लग गई थी, बल्कि ऊपर लेकिन आप देख सकते हैं जो गुंबद है, ये गुंबद उस टाइम पे भी, स्टार्टिंग में भी, पहले भी चूने का होता था, आज भी चूने का ही, देख सकते हैं काला पड़ चुका है वो चूना भट्टी जो है, चूना की जो भट्टी है वो पीछे यहीं पर भट्टी भी है, आप लोग अगर चाहेंगे तो दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। और आप देखें ये जो पेंटिंग है, ये जो इस पर पेंटिंग्स थी, ये पेंटिंग जब खराब हो चुकी है अंदर वाली, कुछ थी इस पर हल्की हल्की बट खराब हो चुकी है सारी, प्रॉपर डेड पेंटिंग है इस पर। आइए आगे, तो ये इस कंपाउंड की, यहाँ बेसिकली ऐसे ऐसे 4 से 5 कंपाउंड्स हैं बड़े बड़े, तो ये उस कंपाउंड का, हम उस 4 से 5 में से एक कंपाउंड में आए हैं अभी। आप जैसे देख सकते हैं पत्थर टूट चुका है, मार्बल टूटी गिर रहे हैं नीचे, तो बहुत पुरानी होने के कारण की थोड़ी सी अभी। तो कैसा लग रहा आपको ये ब्लॉग, मेरा थोड़ा सा हटके ब्लॉग है ये बाकी चीज़ों से, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊँ आगे, ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, ऑब्वियसली लाइक करें मेरे चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ। कल हो क्या रहा है, आजकल लाइक्स तो आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप और देखिए आगे मेरे कंटेंट को। तो यहाँ की मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगा, आइए। तो मैं यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगा। यहाँ पर एक छतरी है जो शायद दूसरे कंपाउंड में जो लॉक्ड है अभी, शायद तो हम शायद वहाँ पर नहीं जा पाए, तो मैं ट्राई करूँगा, अगर होगी तो मैं दिखाऊँगा ज़रूर आप लोगों को। वहाँ पर 16 रानियों ने एक साथ सती हुई थी। आई नो एक गलत प्रैक्टिस थी उस टाइम की, बट उस टाइम की थी तो मैं बता सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। तो 16 रानियों ने एक साथ अपने पति के चिता के अंदर सती हुए थे, और उसी के कुछ टाइम बाद एक यहाँ पे केस ऐसा और आया था जो शायद मेरे हिसाब से तो पहला केस ही होगा राजस्थान का, पर एक मर्द सती भी हुए थे जिन्हें सता कहा जाता है, वो अपनी वाइफ के मनोप्रांत उनकी जो चिता है उस पर लेट गए थे। तो वो यहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ पर अनूप सिंह जी की भी एक छतरी है जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा, बट वो शायद मुझे मिल नहीं पा रही अभी। वो यहाँ की सबसे सुंदर छतरी है, सबसे सुंदर छतरी, 16 खंभे हैं उसके अंदर और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई छतरी है।
वो शायद दूसरे कंपाउंड में अंदर तक अभी पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और चलो चलते हैं, अब आई थिंक आपको ये ब्लॉग पसंद आया आज का, तो एंड करते हैं इस पार्ट को यहीं पे। मैं आपसे आगे मिलूंगा थोड़ी देर बाद, यहाँ से निकलने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? तो इस ब्लॉग में मेरा है बहुत हेल्प किया है पार्थ ने रिकॉर्डिंग के अंदर, तो मैंने कुछ अलग ट्राई किया आज बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ें, कुछ मॉन्यूमेंट्स काइंड ऑफ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस थोड़ा इतना ही रखते हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ सीधा, घर जाके वही सेम शाम हो चुकी है, तो खाना वाना खाएँगे और फिर थोड़ा पढ़ेंगे भी सो जाएँगे। तो कल मिलते हैं 9 बजे, और ज़रूर बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। ओके, बाय।